Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ पूना स्टोर का मेकअप ब्रशेस 10 पीस की पूना स्टोर का मेकअप ब्रशेस है एंड आज मैं उसकी रिव्यू दिखाऊंगी एंड उसका अनबॉक्सिंग मैंने ऑलरेडी कर लिए है गाइज, क्योंकि आज जो मैंने मेकअप क्रिएट की है ये वाला मेकअप मैंने उसी ब्रश के थ्रू की है मैंने एंड एक्सेप्ट आप जो फाउंडेशन वाला है उसको पता नहीं यार, मुझे वो फाउंडेशन का जो ब्रश होते हैं ब्रश से मुझे कभी अच्छे से अप्लाई करना मुझे कंफर्टेबल नहीं होती है, इसलिए मैंने ब्रश को छोड़ दिया है वोला एंड मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से अपनी जो फाउंडेशन है उसको ब्लेंड की है। एक्सेप्ट उसको छोड़ के मैंने सारे ब्रशेस आज यूज़ किए हैं और कुछ कुछ मैंने यूज़ नहीं किए हैं। अभी मैं आपके सामने डेमो करके दिखाऊंगी कि उसका यूजेस क्या है। बहुत सारे लोगों को ये वाला प्रॉब्लम होती है कि कौन से ब्रश किस काम के लिए है, कौन से ब्रश कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, किस काम पे यूज़ करना चाहिए, हमें फेस ब्रश कौन सी है एंड आई ब्रश आई मेकअप की ब्रशेस कौन सी है, तो उस ब्रशेस की आइडेंटिफाई आज मैं करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात ज़रूर बताना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी आज की ये वाला मेकअप लुक पसंद आ रहा है या फिर आपको इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल चाहिए कि मैंने मेकअप कैसे किया है या फिर मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ की है, जो भी प्रोडक्ट यूज़ किया सारे प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चाहे तो वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो अगर आपको मेरी लिपस्टिक का कलर पसंद आ रहा है और आपको जानना है कि मैंने कौन से लिपस्टिक का कलर यूज़ किया है, तो आज मैंने दो लिपस्टिक यूज़ की है, एक है बुलेट लिपस्टिक एंड एक है लिक्विड लिपस्टिक। ठीक है, फर्स्ट जो शेड है वो है मेबलिन का ये वाला क्रीमी मैट लिपस्टिक। इसका जो कलर है वो है 657 न्यूट नुआंस एंड जो सेकंड शेड मैंने लगाया है वो है इन कलर का मैट मी, शायद या ये है इन कलर का ये मैट मी लिपस्टिक। ये लिक्विड लिपस्टिक है, ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है गाइस, इसका प्राइस शायद 100 और 150 के आसपास है और ये सबको पता है 299 इसका प्राइस है एंड या ओके। तो चलती हूँ मैं अपनी मेन टॉपिक पे जिसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ पूना स्टोर की मेकअप ब्रशेस जिसके यूजेस मैं आपको आज डेमो करके दिखाने वाली हूँ एंड यहाँ पे मैंने आई शेडो थोड़ी सी बस मैंने ट्रांजिशन जो कलर है उसको मैंने अप्लाई किए हैं, बस यहाँ पे मैं थोड़ी सी अप्लाई करके दिखाऊंगी कैसे आपको कौन कौन से ब्रशेस कहाँ कहाँ पे यूज़ करनी है आपको एंड मैं फेस ब्रशेस जो है उसकी मैं थोड़ी सी आपको अप्लाई करके दिखा दूंगी कि कहाँ पे आपको ब्लश यूज़ करनी है, कौन से ब्रश से आपको कंटोरिंग करनी है एंड कौन से ब्रश से आपको पाउडर सेटिंग करनी है और कौन कौन से ब्रश के साथ आपको फाउंडेशन अप्लाई करनी है, कौन कौन से ब्रश आपको आई मेकअप में यूज़ करनी चाहिए, सारे प्रोडक्ट का मैं रिव्यू आज करने वाली हूँ आप सबके साथ एंड ये वीडियो काइंड ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन होने वाली है क्योंकि मैंने पूना स्टोर का जो ब्रशेस है फर्स्ट टाइम यूज़ किए हैं एंड ये वाला पार्सल आज ही मुझे रिसीव हुआ है, मैंने अमेजोन से मंगवाया था इसे एंड ये पूना स्टोर का मेकअप ब्रशेस है, 10 पीस का मेकअप ब्रशेस है, इसके साथ कोई भी PU का लेदर बैग नहीं आती है, सिर्फ नॉर्मल पैकेजिंग में आती है, ऐसी पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुई है आज की जो मैंने ब्रशेस रिसीव की है एंड ये आउटर पैकेजिंग है, इसके अंदर आपको ये वाला पैकेजिंग थी, इसके अंदर जो ब्रशेस थी वो मैंने निकाल लिए हैं, अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ सारे ब्रशेस। ये है पूना स्टोर की मेकअप ब्रशेस, इसका जो कलर है ये वाइट एंड सिल्वर कलर में आप देख ही सकते हो यहाँ पे। ये जो 5 ब्रशेस है ये है आई मेकअप की ब्रशेस, आई मेकअप के लिए है ये 5 ब्रशेस एंड ये जो है आपके लिए फेस ब्रशेस, यहाँ पे 5 ब्रशेस है एज यू कैन सी, ये आपकी फेस ब्रशेस है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पे मैंने यूज़ की है ये सारे ब्रशेस, ये दोनों मैंने यूज़ नहीं की है, इसकी यूजेस मैं अभी बताने वाली हूँ आपको कि कहाँ पे आपको यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आई मेकअप की ब्रशेस भी मैंने सारे यूज़ नहीं किए, 3 ब्रशेस मैंने यूज़ किए हैं एंड 2 ब्रशेस मैंने यूज़ नहीं किए हैं जिसके यूजेस मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ, मैं बताने वाली हूँ कि कैसे यूज़ करना है इसके। स्टार्टिंग करते हैं फेस ब्रशेस से, आप देख सकते हो ये है फेस ब्रशेस, यहाँ पे 5 आपको फेस ब्रशेस मिलेंगे, ये है 5 फेस ब्रशेस, इसकी जो क्वालिटी है आप देख सकते हो ये गाइस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है,
बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। मैं आपको हाईली 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 रिकमेंड करूँगी, अगर आप बिगिनर्स भी हैं, अगर आपको एक बहुत अच्छे वाले ब्रशेस की सेट ख़रीदनी है तो आप आँख बंद करके ये वाला मेकअप जो ब्रशेस है उसको आप परचेस कर सकते हो। मैंने अमेजोन से परचेस किए हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाके चेकआउट कर लेना। एंड आप ज़रूर परचेस करना अगर आपको कोई मेकअप ब्रशेस की ज़रूरत है। अगर आप ढूंढ रहे हो कोई अच्छा वाला मेकअप ब्रशेस तो आज देख लो ये वाला वीडियो, एंड इसके रिव्यू मैं ऑनेस्ट रिव्यू करने वाली हूँ। एंड इट्स काइंड ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन, एंड आप समझ ही सकते हो इसकी सॉफ्टनेस देख के कि ये कितना ज़्यादा मतलब अफोर्डेबल में इतना ज़्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट है। ओके, देख सकते हो आप, मैं आपके सामने दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। एंड ये है 5 आई मेकअप के ब्रशेस, आप देख सकते हो इसके सॉफ्टनेस। वाओ, इतना अच्छा सॉफ्ट प्रोडक्ट है यार, ओ माय गॉड। आप देख सकते हो इसकी जो सॉफ्टनेस, आप देख सकते हो ये, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है गाइस, देख सकते हो आप। ये 5 आई मेकअप के ब्रशेस हैं, यहाँ पे मैंने 2-3 यूज़ किए हैं, 2 मैंने यूज़ नहीं किए हैं। अभी मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी कि कौन कौन से ब्रशेस कहाँ कहाँ पे आपको यूज़ करनी है। ओके, इन सारे ब्रशेस में मैं फर्स्ट में दिखाने वाली हूँ आपको फाउंडेशन ब्रश। आप देख सकते हो फाउंडेशन ब्रश जो है वो आपको ऐसे फ्लैट में मिलेंगे, ऐसे फ्लैट वाला जो ब्रश है ये फाउंडेशन यूज़ करने के लिए है। लेकिन आई एम सॉरी गाइस, मैं फाउंडेशन के लिए कभी भी ब्रशेस यूज़ नहीं करती हूँ, पता नहीं मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं फील करती हूँ मैं। हमेशा मैं फाउंडेशन को जब भी ब्लेंड करना होता है मैं ब्यूटी ब्लेंडर से, मतलब जो ब्यूटी स्पॉन्ज होते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर जो भी कह लो, उससे मैं हमेशा अपनी जो फाउंडेशन है उसको ब्लेंड करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, कम्फर्ट फील करती हूँ। लेकिन मैं कभी अगर ट्राई करूँगी तो मैं ज़रूर आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप ब्रशेस से कैसे फाउंडेशन को अप्लाई कर सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल हो तो ज़रूर कर सकते हो, लेकिन मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ इसीलिए मैंने यूज़ नहीं किए हैं, लेकिन मैं ज़रूर कहीं ना कहीं पर ट्राई कर लूँगी। इसके यूजेस कैसी है, आप थोड़ी सी प्रोडक्ट यहाँ पे ले ले, फाउंडेशन जो है वहाँ पे थोड़ा सा प्रोडक्ट आपको यहाँ पे लेनी है, एंड इसको डॉट डॉट करनी है अपनी फेस पे और इसको ऐसे अप्लाई करनी है राउंड मोशन पे, ऐसे ऐसे राउंड मोशन में आपको यूज़ करनी है ये फाउंडेशन ब्रशेस, ठीक है। एंड अभी आपको मैं दिखाने वाली हूँ बाकी के जो 4 ब्रशेस है उसकी क्या यूजेस है। सेकंड आपको मैं ये वाला ब्रशेस दिखा रही हूँ, ये आप देख सकते हो, ये थोड़ी सी आपको ऐसे क्या कर्व टाइप कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है आपको, पिरामिड टाइप्स कुछ। एंड ये जो ब्रश है इसको आप एज अ जो पाउडर ब्रश होते हैं, पाउडर सेटिंग्स जब आप कंसीलर यूज़ करते हैं उसको आप जो पाउडर सेटिंग है उसके लिए आप ये वाला ब्रश यूज़ कर सकते हो। एंड थर्ड जो ब्रश है ये है आपका कंटोरिंग के लिए, आप कंटोरिंग के लिए ये वाला ब्रश यूज़ कर सकते हो ऐसे, क्योंकि ये थोड़ी सी एंगुलर टाइप्स हैं, थोड़ी सी एंगुलर टाइप्स है। ओके, ये आप ऐसे कंटोरिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, मैं थोड़ी सी आपको करके दिखाऊंगी कंटोरिंग। थोड़ा सा प्रोडक्ट लेनी है यहाँ से एंड आपको ऐसे ये जो ब्रश है ऐसे आपको पकड़ना है, ऊपर के पोर्शन में आपको ऐसे इसे लेके जाना है प्रोडक्ट को, आप देख सकते हो। आपको फोरहेड को भी ऐसे कंटोरिंग करनी है, आप देख सकते हो ये जो शेडो है। आपकी फेस अगर बहुत ज़्यादा फैटी है जैसे मेरी है, आपका राउंड फेस है तो आपकी जो फेस है उस ओके आपकी फेस की जो कट है उसको आपको डिवाइन करेगा, आपकी जो फेस है उसको बहुत ज़्यादा स्लिम लगेगा, आपकी फेस में जो एक्स्ट्रा फैट है उसको आपको छुपा देगा ऐसे। आप देख सकते हो मेरी यहाँ पे ना थोड़ी सी डबल चिन भी है, तो मैंने क्या किया है यहाँ पे थोड़ी सी मेरी जो जॉ लाइन है उसको भी थोड़ी सी मैंने कंट्रोल की है ऐसी, अंदर की तरफ करनी है आपको ऐसे। तो क्या होगा आपकी जो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आप देख सकते हो एक
लाइन क्रिएट हुई है जिसकी वजह से आपके जो फेस है वो बहुत ज़्यादा स्लिम लगेगा एंड जो एक्स्ट्रा फैट है वो दिखाई नहीं देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो फेस की जो जॉ लाइन है वो बहुत ज़्यादा आपकी आइडेंटिफाई हो रही है, डिफाइन कर रही है यहाँ पे। ओके, तो इसे आपको एज ए कंटूर आप इसे यूज़ कर सकते हो। एंड फोर्थ जो ब्रश है ये भी आप एज ए कंटोरिंग भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये भी थोड़ी सी एंगुलर टाइप्स ब्रशेस हैं एंड आप चाहो तो इससे आप फाउंडेशन भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं इसे कंटोरिंग के लिए ही यूज़ करूँगी। एंड जिसके फेस थोड़ी सी बड़ी है उनके लिए ये ज़्यादा हेल्प रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये, एंड इसे आप चाहो तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं एंड चाहे तो आप इसे फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो है ये वाला ब्रश है, इसको मैंने एज ए ब्लश मैंने यूज़ किया है एंड ये आप देख सकते हो थोड़ी से राउंड शेप में है एंड फ्लफी ब्रश है, तो इसको मैं ब्लश के लिए यूज़ करूँगी एंड आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। मैंने थोड़ी सी ब्लश यहाँ पे अप्लाई की हुई है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाने के लिए, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आप ब्लश कैसे यूज़ करोगे ये वाला ब्रश से। एंड आपको थोड़ी सी प्रोडक्ट लेनी है, क्योंकि अगर आप एक ही बार में ज़्यादा प्रोडक्ट ले लोगे ब्लश तो ज़्यादा पिंक पिंक सा हो जाएगा, तो आप उसको हटाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए आपको थोड़ी सी प्रोडक्ट लेनी है ऐसे एंड इसको थोड़ी सी डैप कर लेनी है एंड यहाँ पे ऐसे अप्लाई करनी है। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर है, क्योंकि मुझे ज़्यादा ब्लशेस लगाना पसंद नहीं है तो मैंने थोड़ी सी ब्लशेस यूज़ की है। आप देख सकते, मैं स्माइल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप यहाँ पे जो चिक बोन है तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे आपको ब्लश यूज़ करनी है। ओके, आई एम डन। नेक्स्ट आती हूँ मैं अपनी आई मेकअप के ब्रशेस में। आप देख सकते हो 5 ब्रशेस मेरे पास है, ये 5 ब्रशेस के यूजेस मैं दिखाने वाली हूँ आप सबके साथ। एंड फर्स्ट जो ब्रश है ये वाला ब्रश है एंड ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है। आप देख सकते हो इसे आप कोई भी आई शेडो जब यूज़ करते हो फर्स्ट जो ट्रांजिशन शेड आपको यहाँ पे अप्लाई करनी होती है, तो उसे आप ये वाला ब्रश से आप यूज़ कर सकते हो। मैंने यूज़ किया है यही वाला ब्रश, मैं थोड़ी सी मैंने सिर्फ ट्रांजिशन जो शेड होती है वही वाला मैंने यूज़ किया है। देख सकते हो नेक्स्ट जो है ये वाला ब्रश है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये थोड़े से फ्लफी है। यहाँ पे अगर आपको आईलिड पे ग्लिटर यूज़ करनी है या फिर शिमरी वाला कोई भी आई शेडो यूज़ करनी है तो उसके लिए आप ये वाला ब्रश यूज़ कर सकते हो, या फिर आप एज अ ट्रांजिशन कलर के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। कभी कभार आपको अगर 2 से 3 कलर को आपको एक साथ में ब्लेंड करनी होती है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो एज अ ब्लेंडिंग ब्रश। नेक्स्ट जो आप देख सकते हो ये थोड़ी सी एंगुलर ब्रश है, इससे आप क्या करोगे, इससे आप अपनी नोज़ की कंटोरिंग कर सकते हो। ऐसे थोड़ी सी डेमो दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पे थोड़ी सी मैं यहाँ पे कंटोरिंग के लिए प्रोडक्ट ले रही हूँ एंड आपको ये जो एंगुलर ब्रश है कुछ इस तरीके से आपको करनी है। नोज़ की कंटोरिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो नोज़ है वो थोड़ी सी स्लीम लगे, इसलिए हम नोज़ की कंटोरिंग करते हैं। नेक्स्ट जो है ये वाला ब्रश थोड़ी सी बड़ी है एंड थोड़ी सी फ्लफी ज़्यादा है, इससे आप कहाँ पे यूज़ करोगे, इसको आपको यूज़ करना है एज ए हाईलाइटर। यहाँ पे एज ए हाईलाइटर आप चिक बोन पे यूज़ कर सकते हो, अपनी नोज़ पे कर सकते हो, अपने फॉरहेड पे कर सकते हो एंड अपने चिन पे कर सकते हो। इस ब्रश से आप कैसे हाईलाइटर अप्लाई करोगे मैं थोड़ी सी आपको डेमो करके दिखाने वाली हूँ। थोड़ा सा प्रोडक्ट लेने हैं यहाँ पे आपको एंड यहाँ पे आपको अप्लाई कर लेना है। आप देख सकते हो इसकी हाइलाइटर, नोज पे मैंने ऑलरेडी हाइलाइटर अप्लाई की हुई थी लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ी सी फोरहेड पे एंड थोड़ी सी अपनी चिन पे। नेक्स्ट जो ब्रश आप देख सकते हो ये लास्ट ब्रश है एंड
ये जो छोटी से ब्रश आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये ज्यादा फ्लफी नहीं है, छोटी से ब्रश है। इसको आप कहाँ पे अप्लाई करने वाले हो? इसे आप एज अ इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर सकते हो, एंड यहाँ पे आप अपने आईब्रोज की जो आईब्रो बोन है यहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हो हाईलाइटर से। आई होप कि मैंने सारे ब्रशेस के जो यूजेस हैं मैंने आपको समझा दी है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कौन से प्रोडक्ट की यूजेस जाननी है, या फिर आपको अगर कन्फ्यूजन हो रही है, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अगर बिगिनर है, आपको कुछ नहीं पता है, तो आप इस ब्रश को देख के आप समझ सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ब्रश किस यूज़ के लिए, ये कंटूरिंग के लिए है या फिर ये फाउंडेशन के लिए है या फिर ये ब्लश के लिए है, सारे ब्रश के ऊपर मेंशन की गई है। एंड ये सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगी पूना स्टोर के ब्रशेस में, एंड इसके क्वालिटी गाइस, ओ माय गॉड, बहुत अच्छी क्वालिटी है। आप आंख बंद करके ले सकते हो, एंड मैं रिकमेंड करूँगी आपको, हाईली रिकमेंड करूँगी आप ज़रूर परचेस करो। अगर आप कोई अच्छा वाला ब्रशेस ढूंढ रहे हो ख़रीदने के लिए, अगर आप बिगिनर्स भी हो तो भी आप थोड़ी सी अगर अफोर्ड कर सकते हो प्राइस, तो आप ये वाला प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ करके देखो, ये वाला ब्रश ज़रूर यूज़ करके देखो। ये मेरी आज के फर्स्ट इम्प्रेशन है, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब मैं एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मुझे मिली है, तो मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा मुझे प्रोडक्ट मिलेगा। ये आपको यूज़ करने में बहुत आसानी होगी गाइस, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, एंड आपके फेस में बिल्कुल भी नहीं लगेगी कि आपने कुछ मतलब अप्लाई कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, आपके स्किन के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, एंड बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मुझे बहुत अच्छा लगा, फाइनली मैं रिकमेंड करूँगी आपको, आप ज़रूर परचेस करो। मैंने अमेजोन से ये वाला ब्रशेस परचेस किए हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड सब्सक्राइब बटन के बगल में जो छोटा सा बेल आइकन है उसको भी हिट कर देना, ताकि मेरी आने वाले कोई भी मेकअप की वीडियो, कोई भी रिव्यू की वीडियो, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।